सो फ्रेंड्स, हमारा फोफट हो गया। सो फ्रेंड्स, अभी हम निकल गए हैं अकेले अकेले घूमने के लिए। थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, बट वो ना नहाने के लायक नहीं बचा है। हमारा तालाब जो है पूरा सूख चुका है। कैसे सीरी ला रही है। सो फ्रेंड्स, इधर से भी हम निकल गए हैं बाजार जाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे सबसे प्यार भरा गुड मॉर्निंग। सो अभी हम बना रहे थे खाना और इधर आ गए थे हबीबाड़ी साइड, और आज हम ना चूल्हा में खाना नहीं बना रहे हैं, गैस के चूल्हे में बना रहे हैं खाना। बिकॉज कल बारिश हुआ था ना, इस वजह से हमारा मिट्टी का किचन रूम जो है पूरा गिल्ला गिल्ला हो रखा है। और कल पौधे करी थी बट सूखा नहीं, तो लकड़ी भी गिल्ला हो गई थी। सो फ्रेंड्स, फाइनली इधर से अभी हमारा खाना जो है बन चुका है। ये रहा चावल, और इधर हम बनाए हैं आज कुंदरू चना और आलू की सब्जी। सो ये देखिए, फाइनली ये हो गया है। सो फ्रेंड्स, इधर से भी हमारा खाना जो है बन चुका है। तो इधर हम लग गए अपना बिस्तर ठीक करने के लिए। तो कुछ दिन हो गए मैं ना बिस्तर को ठीक भी नहीं करी हूँ, और पूरा एकदम सा हो गया था। तो मैं ना बिस्तर को साइड में रख के अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ, फिर फिर ना अच्छे से बिछाएंगे और जो सभी कपड़ा वगैरह है ना उसको अच्छे से मतलब जमा के रख देंगे। तो ये वाला को बहुत दिन हो गए, तो इसको मैं ना नहीं बिछाऊँगी। इसको धोने के लिए मैं ना रख दी हूँ अलग। दूसरा वाला बिछा लेते हैं इधर, और उधर बिछा ही रहे थे कि चटाई उधर मुड़ चुका था, इसको सही कर देंगे। और सारे कपड़े को जो है अच्छे से मोड़ के रख देते हैं। और बहुत ज़्यादा हड़बड़ी होने होता है, काम में जाओ इसको करो उसको, पूरा काम करके जाना रहता है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी होने होता है, क्या ही करें। सो फ्रेंड्स, फाइनली इधर से अभी हम तैयार व्यार हो गए हैं और अभी हम निकल रहे हैं। झोला वाला निकाल के रूम वगैरह को ढक दी हूँ, वैसे ताला नहीं लगाती हूँ, तो बाबू रहता है ना, तो चावल वगैरह भी पास रख देती हूँ उसके खाने के लिए, तो इसीलिए। तो चलिए फिलहाल अभी चलते हैं काम की ओर, और मिलते हैं आप लोगों से। सो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रही है, और हाजिर बाजार तो जल्दी जाके थोड़ा सा जल्दी आएँगे, बिकॉज पैदल आना है, फिर यहाँ से फिर पैदल जाना है, इसीलिए। सो चलिए मिलते हैं रास्ते में। सो फ्रेंड्स, हमारा फोफट हो गया। तो हम लोग गए मतलब निकले हुए थे काम में जाने के लिए, बट बादल ना एकदम से ढका हुआ है। वैसे सुबह तो बहुत अच्छा धूप निकल चुका था, और अभी जैसे निकले ना वैसे बादल ढका हुआ है, और हल्की हल्की ना अभी बारिश स्टार्ट हो गई है, तो इसलिए बोले कि नहीं जाएंगे बोल के। तो फोफट हो गया, खाना वाना मस्त मतलब टिफिन में पैक करके निकल गए थे, और अभी भी मतलब अभी ही बादल को ढकना था। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए अपने किचन रूम के पास, बस बैठ गए हैं, और हमारा किचन रूम अच्छे से सूखा नहीं, और मैंने चूल्हा को ढक दी थी बिकॉज सुबह हो रही थी ना हल्की हल्की बारिश, तो इसीलिए। और आज ना मेरे को बोर सा लग रहा है, रोज़ हम लोग जाते हैं काम में, वहाँ पे सभी लोगों के साथ मस्ती मजाक करते रहते हैं, तो लोग ही लोग रहते हैं ना, तो इस वजह से आज घर अकेले हैं तो बहुत बोर सा लग रहा है। और सुबह हो रही थी बारिश, और अभी इतना ज़्यादा धूप निकल गया ना कि क्या ही बोले। सो ये देखिए। सो फ्रेंड्स, अभी हम निकल गए हैं अकेले अकेले घूमने के लिए, बिकॉज मेरे को ना गर्मी इतना ज़्यादा बोर लग रहा था ना कि क्या ही बोले। और बाहर निकली घूमने के लिए, बट इतना ज़्यादा धूप है, पूरा धूप से मेरा तो सिर ही बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, और मैंने तावेल वाल कुछ नहीं ली, तो ये देखिए। सर चलिए इधर थोड़ा सा आगे में और चल के देखते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं ना घूमते घूमते तालाब के पास आ गई हूँ, और फिलहाल इधर नीचे उतर रही हूँ सीढ़ियों से, और यहाँ पे आके देख रही हूँ ना, तो पूरा यहाँ का पानी जो है पूरा सूख चुका है, और मतलब थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, बट वो ना नहाने के लायक नहीं बचा है। गाय बैल के पानी पीने के लिए हो जाएगा, बट ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो ये देखिए, हमारा तालाब जो है पूरा सूख चुका है। सो ये देखिए, और अभी ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कपड़े धोने की, अभी पानी भी सही से नहीं निकलता है ना नल से, तो इसी वजह से, और पूरा पानी जो है सूख चुका है, और यहाँ ये वाला पानी थोड़ा सा गंदा हो गया, इसके मतलब यूज़ करने के लायक नहीं है, तो ये देखिए और पूरा खाली हो गया है। So you and me, we'll kiss the sky goodnight. So चलिए फ्रेंड्स, अभी ये पास थोड़ी देर बैठते हैं, बिकॉज इतना दूर आते आते पूरा मेरे को ना एकदम से गर्मी लग गया, तो ये पास मस्त हवा चल रहा है ठंडा ठंडा, तो थोड़ी देर पास बैठते हैं और मिलते हैं आप लोगों से। सो फ्रेंड्स, फाइनली अभी हम जा रहे हैं, काफ़ी टाइम तक के पास बैठे हुए थे, बहुत अच्छा लगा, मस्त हवा चल रहा है बस, तो फाइनली अभी हम जा रहे हैं घर, और धूप भी बहुत ज़्यादा है, तो चलिए फिलहाल चलते हैं घर और मिलते हैं आप लोगों से। सब लोग में कंटिन्यू बने रहिए। सो फ्रेंड्स, अभी हम तैयार व्यार हो गए हैं, और अभी हम जाएंगे बाजार। तो आज बाजार है ना, और सब्जी वब्जी कुछ नहीं है, ख़त्म हो गए हैं, तो इसलिए बाजार जा रही हूँ। और ये देखिए गाय को देखो, मेरे को देखिए, कुछ नहीं है मेरे पास। ये देखिए कैसे सीरी ला रही है, देखिए
कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है मेरे पास, कैसे सीरी ला रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी 5 बज गए हैं, तो हमको जाना है जल्दी जल्दी बाजार, फिर आते आते लेट हो जाता है और मक्खी मेरे पेस पे बैठ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं रास्ते में या फिर बाजार में। सो चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। सो फ्रेंड्स, इधर से अभी हम निकल गए हैं बाजार जाने के लिए, और इधर इसके घर में मतलब सामने के घर में बुलाने जा रहे हैं, तो साथ में जाएंगे तो ओमन भी आएंगे, तो इसलिए बुलाने जा रही हूँ, और पीछे से आ रहा है गाड़ी। सो ये देखिए, सो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स, फाइनली अभी हम बाजार में पहुंच चुके हैं, और इधर आप लोग देख सकते हैं बहुत ही मतलब ताज़ी ताज़ी सब्जियां हाई हुई हैं। तो ये देखिए, नींबू और कुमंडा, टमाटर, शिमला मिर्च और भी बहुत सारी सब्जी आई हुई है बहुत ही ज़्यादा। और इधर से लोग भी अभी आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं वैसे। तो सब्जी में तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा अच्छा वाला सब्जी आया हुआ था, तो खरीदने के लिए बहुत मज़ा आया वैसे, और बहुत सस्ता था वैसे। तो ये देखिए, और बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं अभी, और आज तो हम लोग को सब्ज़ी खरीदते खरीदते शाम ही हो जाएगा, क्या ही बोले। तो सब कुछ मतलब हर एक चीज़ मतलब याद कर करके खरीदना रहता है ना, तो क्या ही करें, तो एक सप्ताह के लिए पूरा खरीद के रखना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो देखिए, और ये देखिए पूरा शाम ही हो गया आज तो। सो फ्रेंड्स, फाइनली अभी हम ना बाज़ार से घर आ गए हैं, और जैसे ही मैं घर आई ना, तो वैसे ही हमारा बल्ब फ्यूज हो चुका है, तो पूरा रूम अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा। तो एक जन को बुलाई हूँ, तो वो आके लगा देगी, चेंज कर देगी। मेरे को ना बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए मैं ना चेंज नहीं करती हूँ। तो फिलहाल वो आ रही है, तो वो चेंज कर देगी, तो फिर लाइट आएगा। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, सो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रही है। सो फ्रेंड्स, फाइनली बल्ब लगवा ली हूँ, और अब चमक रहा है ना हमारा रूम चकाचक। सो ये देखिए, तो फाइनली बल्ब लगवा लिए हैं, और पूरा एकदम अंधेरा अंधेरा दिख रहा था, बिकॉज पूरा बल्ब ही फ्यूज हो गया था, क्या ही बोले। तो बार बार हो रहा है, मतलब वो क्या बोलते हैं 10 रुपये वाला बल्ब है ना, इसीलिए शायद। तो चलिए फाइनली अभी गारंटी वाला लगवा लिए हैं, देखते हैं कितना दिन टिकता है। तो अगर पहले फ्यूज हो जाएगा ना, तो फिर वापस करेंगे। तो चलिए अभी सब्जी उब्जी लाए, तो उसको निकालते हैं, और इधर से निकाल रहे हैं अब ये सब्जी। तो उधर मैं ना पकौड़ा वगैरह लेके आई हूँ, और इधर सब्जी वगैरह को मतलब एक ही साथ में पूरा को डाल दी ज़मीन में, और इधर है आलू प्याज, और ये देखिए इतना सारा बरबटी, वो भी 10 रुपये का था, और ये भिंडी लेके आई मैं, और ग्वारपल्ली ज़्यादा कुछ लेके नहीं है, बिकॉज ख़राब हो जाते हैं ना, तो इसीलिए। तो ये देखिए सभी ना मस्त 10-10 रुपये का था, तो बहुत बहुत अच्छा लगा वैसे, बहुत सस्ते में सब्ज़ी मिल गई आज तो, बहुत ज़्यादा सस्ते में। तो 10-10 रुपये का मैंने सभी का मतलब 10-10 रुपये को ले ली। तो ये देखिए, सो सारा सामान को जो है मैं ना रख देती हूँ, ये देखिए वो क्या बोलते हैं बांस का बना होता है वो टुकना मन में, और रख देते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने सारा सामान को जो है रख दी हूँ अलमीरा में, और इधर अभी हम बैठ गए हैं भजिया खाने के लिए, मतलब पकौड़ा। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने गर्मा गर्म लेके आ गई थी, और साथ में हम लाए हैं चना झूर। सो ये देखिए मस्त, तो गर्मा गर्म चलिए अभी खाते हैं। और अभी मैं खाना नहीं बनाऊंगी, बिकॉज सुबह का चावल और सब्जी है, और इसी से मेरा पेट भर जाएगा, तो फिर काय का चावल बनाएंगे। तो वैसे सुबह का वाला है, अगर खाने का मन करेगा तो खाएंगे। तो चलिए अभी फिलहाल इधर खा लेते हैं गर्मा गर्म पकौड़ा, और मिलते हैं आप लोगों से, सब लोग में कंटिन्यू बने रहिए। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा नाश्ता हो चुका है, और मैं ना चावल नहीं खा पाई, बिकॉज उसी से मेरा ना पेट भर गया, तो मैं ना चावल नहीं खाई। तो चावल सब्जी है, बट नहीं खाई, मेरा तो पेट भर गया, तो कहाँ से खाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ना आज की इस वीडियो को करते हैं एंड। सो आज का हमारे वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कल हुआ था वट सावित्री पूजा, तो ये देखिए वहाँ पे न्यू न्यू जोड़ा मतलब चूड़ी वगैरह चढ़ाई हुई है ना, तो यहाँ से दिख रहा है मस्त। सो ये देखिए लाल लाल।